पंजाबी और बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनिया मान ने भाजपा सरकार को खुली चुनौती दी है। किसान आंदोलन के नाम पर सोनिया मान के खिलाफ दर्ज हुए मुकदमों पर सोनिया ने सरकार को ये चुनौती दी है। हिसार में किसान आंदोलन के समर्थन में चल रहे वकीलों के धरने पर पहुंची सोनिया मान ने कहा कि सरकार की गुंडागर्दी से वो डरने वाली नहीं है। आज उनके खिलाफ 8 पर्चे दर्ज किए गए हैं और अगर 100 पर्चे भी दर्ज हो गए तो वो डरने वाली नहीं है। सोनिया ने कहा कि हरियाणा सरकार आज किसानों को दबाने के लिए लड़ाई का माहौल बना रही है, मगर किसान दबने या डरने वाला नहीं है। सोनिया ने यह भी बताया कि उनके पिता एक बड़े किसान नेता थे और उनके आदेश पर ही वो किसानों का समर्थन कर रहे हैं और करती रहेंगी। मकसद यही है जी, देखिए ये बहुत बड़ी बात है कि हिसार में वकीलों ने एक धरना लगा रखा है किसानों की हिमायत में, और ये बहुत एक अच्छा मैसेज जाता है। जिस तरीके के साथ हम सिंगू बॉर्डर पे, टिकरी बॉर्डर पे, गाजीपुर बॉर्डर पे, साजाबाद बॉर्डर पे हम किसान बैठे हैं, तो एक ये अच्छा मैसेज आता है कि ये किसानों की लड़ाई नहीं, सभी वर्ग की लड़ाई है। और कहीं ना कहीं वकील ये देखते हैं कि एक किसानों के बेटे हैं। आज मैं देखती हूँ कि मैं किसान की बेटी हूँ, तो हम सबको एकजुट होकर जहाँ पर भी बैठ के हमें लड़ाई लड़नी चाहिए किसानों के लिए। लेकिन अभी आपने जिक्र किया कि बहुत से लोग अभी इस आंदोलन में शामिल नहीं है, कुछ गांव में नहीं आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि लंबा खिंच रहा है आंदोलन, या किस कारण से वो बात नहीं बन पा रही जो आप लोग भी चाह रहे हैं और सरकार ये कह रही है कि विपक्ष का ही काम है इसमें किसान का? देखिए, सरकार का हमेशा से यही कहना है कि विपक्ष का काम है कोई भी सरकार, क्योंकि सरकार को कंटिन्यूसली हमें 7 महीने हो गए हैं बॉर्डर पे बैठे हुए, अपने ये बिलों को लेके बात करते हुए। जब सरकार को पता है कि ये बिल हमारे सही नहीं है, बार बार सौदे करने के लिए बात करती है और कभी सुप्रीम कोर्ट को बीच में लेके आती है, तो जब हम ये बोल रहे हैं कि ये बिल सही नहीं है, तो पहली बात तो ये सरकार का कोई भी ऐसा कोई सेक्शन नहीं है जहाँ से सरकार ये बिल बना सके बेसिकली, और सरकार ने वो बनाए। और उसके बाद अभी अगर हम कह रहे हैं कि हमें ये बिल नहीं चाहिए, तो एक डेमोक्रेसी में ये फ़र्ज़ बनता है कि अगर हम धरने पे बैठे हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किस तरीके से पीछे 26 को भी इन्होंने पर्चे डाल दिए और बिना बात पे बैरिकेड्स लगा दिए, बिना बात पे सरकार एक लड़ाई का माहौल, टकराव का माहौल बना रही है, जबकि हमारा उस दिन भी कोई टकराव का माहौल नहीं था। उस दिन भी हमने गवर्नर को मेमोरेंडम दे के वापस आ जाना था और कुछ लोगों ने जाना था हमारे साथ, उस दिन भी हमने बोला था पीसफुल प्रोटेस्ट। उस दिन भी सरकार ने जानबूझ बैरिकेड्स लगाए, जानबूझ के पुलिस को खड़ा किया, जानबूझ के पानी की बुछारें फेंकी। ये सरकार का रवैया बहुत गलत है किसानों के प्रति। बातचीत के कुछ आसार लगते हैं आपको, कहीं कोई बात हो सकती है, क्योंकि सरकार डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली तो बोल ही रही है कि हम तैयार हैं। ये राजेंद्र जी बता सकते हैं, क्योंकि ये सुजुक किसान मोर्चे में इनकी बात होती है सरकार के साथ। दूसरा है कि आप अपनी जर्नी को किस तरह से देखते हैं, क्यों आपको आना पड़ा किसानों के साथ? देखिए, मेरे फादर किसान लीडर थे और उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी किसानों के हकों के लिए लड़ाई करते करते वो शहीद हो गए, और मैं उस परिवार से बिलोंग करती हूँ। और मेरे फादर ने मुझे एक लेटर भी लिखी थी कि मैं हमेशा किसानों के लिए, मज़दूरों के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करूँ, और मैं उस क्रांतिकारी परिवार को बिलोंग करती हूँ। तो मैंने यही सोचा कि मेरे लिए सबसे पहले ये बात है कि मैं किसान की बेटी हूँ और जो सही है किसानों के लिए, मैं उसके लिए अपनी आवाज़ हमेशा बुलंद करती रहूँ। देखिए, मेरे से जितना हो सकता है मैं अवेयरनेस जो किसानों के प्रति, किसानों के हकों के प्रति, जितने हरियाणा में हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे उत्तराखंड में हो, चाहे पंजाब में हो, जिस गांव में मुझे जाना पड़े लोगों को इकट्ठा करने के लिए, मोर्चे को मजबूत करने के लिए, मैं हर जगह पे पहुंचती हूँ। हाँ जी, ये वो राजेंद्र जी बताएंगे, क्योंकि ये जो किसान मोर्चे के मोर्चे की मीटिंग होगी, जो मोर्चे की तरफ से फैसला लिया जाएगा, उसके प्रति जो मोर्चा डिसीजन लेगा हम उसके प्रति चलेंगे। और मैं सबसे पहले यही चाहती हूँ कि मेरा नाम भी जरूर आए कि मैं संसद की तरफ जाऊँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले मैं एक किसान की बेटी भी आगे बढ़ के संसद का ग्राफ करने के लिए जाए। जी, मैं नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी चंडीगढ़।
चंडीगढ़ में उस टाइम पे, मैं हरियाणा की तरफ से नाडा साहब गुरुद्वारा से पैदल यात्रा करते हुए पंचकूला गई थी और ये FIR झूठी दी है, जहां हम बोलते हैं कि ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये डिक्टेटरशिप है। नंबर वन, हम IPS ऑफिसर्स के ऊपर इतना विश्वास करते थे कि IPS ऑफिसर्स बहुत ईमानदार होते हैं, पर आफ्टर सीइंग माय FIR कि सोनिया के हाथ में तलवार थी, इन्होंने एक पुलिस वाले को पीटा, ये तो ज़रा सर मैं कहती हूँ कि गुंडागर्दी है और ये डिक्टेटरशिप है। किसी ने हुक्म दिया भी इस लड़की के ऊपर ये इल्ज़ाम डाल दिया जाए इसको दबाने के लिए, पर मैं सरकार को ये बोल देना चाहती हूँ, आज 8 पर्चे डाले हैं, 100 पर्चे भी डालोगे तो मैं डरने वाली नहीं हूँ। मैं अपने किसानों के लिए हमेशा आवाज़ बुलंद करती रहूँगी और बोलती रहूँगी। मैडम, आज हरियाणा के जो किसानों से आप, हाँ, नहीं जी, मैं अभी तक किसी प्रोसेस में नहीं गई, जो संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से जो फैसला होगा उसी तरफ से जाऊंगी। हाँ, बट ये जरूर बोला गया है कि इंक्वायर किया जाए इसको। मैडम, आज हरियाणा के किसानों से आपने स्पेशल अपील की, वहाँ पहुँचे क्या, नहीं पहुँचे हरियाणा के किसान? नहीं जी, किसान पहुँच रहे हैं वहाँ पर, अपने अपने खेती चीज़ों में बिजी हैं, काफ़ला जाता है काफ़ला आता है, बट जो लोग कुछ भी अभी BJP के गवर्नमेंट के दबाव के नीचे हैं, उन लोगों को मेरा बताना लाजमी सा बनता है कि ये सिर्फ दुकानदारों की लड़ाई, किसानों की लड़ाई नहीं है, दुकानदारों की भी और मजदूरों की भी, सारे वर्ग की लड़ाई है, तो उनको एक बार एड्रेस करना बनता है हमारा। इससे पूर्व धरने पर बैठे वकीलों को संबोधित करते हुए सोनिया ने कहा कि उनकी हिम्मत को दाद देने की ज़रूरत है, क्योंकि भाजपा सरकार के रहते बिना डरे धरना देना आसान नहीं है। हरियाणा की तरह पंजाब के वकीलों को भी धरना देना चाहिए। वकीलों के साथ आने से किसानों को भी डर नहीं होगा कि उनका केस कौन लड़ेगा। आज ये आंदोलन सिर्फ किसानों का नहीं है, बल्कि हर मजदूर और दुकानदार का भी है। ये लड़ाई कॉरपोरेट कल्चर के खिलाफ है।